हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज, जैसा कि आपको बता दूं, आज रामनवमी का दिन है और हमारी है छुट्टी। तो आज हम लोग निकल रहे हैं फिर से नए डेस्टिनेशन की ओर। तो आपको बताता हूं आज हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में बताऊंगा गाइज। थोड़ा सा वो रहेगा, सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं हमारे साथी ये राहुल सैनी जी, और तो ये भाई हमारे मुकेश हैं, चंपावत के रहने वाले। और अगला बंदा वही पुराना अपना, बार बार हमारे ब्लॉग में आने के लिए बोलता कि क्रेजी है, मतलब मेरे ब्लॉग में आने के लिए ना, तो बार बार आ जाता है, जगह जगह कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये हैं हमारे प्रंजन भाई, रुड़की से हैं, फुल एंजॉय करते हैं हमारे साथ ही, और पहाड़ों में घूमने का पूरा ही आनंद उठाते हैं। तो गाइस, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, बैक कैमरे से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये अभी हम लोग हैं मल्ला बापरू, तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आपको बता ही देते हैं, हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो गाइस, व्यू कुछ ऐसा हो रहा है आज, और ये हमारे साथी लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और बेहतरीन व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर नेशनल हाईवे के किनारे। और तो गाइस, अब ले चलते हैं आपको, को हम बढ़ते हैं, दिखाएंगे पिथौरागढ़ में आज कहाँ कहाँ घूमने को मिलता है हमारे भाई। लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी। तो गाइस, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं अभी कामाख्या देवी मंदिर के लिए, तो अभी हम माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे पिथौरागढ़ घूमने। ये गली से मोड़ेंगे हम आगे को, ये भाई ने बेहतरीन यहाँ पर लोगो लगा रखा है। तो हम पहुंच चुके हैं, हमारे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अच्छा, गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं द आर्ट हाउस कैफे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाया था बैक कैमरे से, तो ये हैं हमारे अनिल
भाई का, अनिल सिंह खोलिया जी का। तो अभी अभी नया नया खुला है तो हम लोग आए हैं यहाँ पर खा रहे हैं। जैसा कि आपने ब्यूटीफुल इन्होंने लुक देखा है और जो हमारी लोकल की लकड़ी होती है उसका यूज़ करके इन्होंने बढ़िया सा फर्नीचर तैयार किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और खूबसूरत है काफ़ी देख पा रहे हैं। तो नॉर्मल में और बहुत ही अच्छा लुक इन्होंने कोशिश करके देने के, और पर यहाँ पर जो सीनरी वगैरह लगाई हैं उसका भी जो फ्रेम है वो शायद चीड़ की लकड़ी का है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और इन्होंने लाइटिंग वगैरह बेहतरीन कर रखी है, देखिए ऊपर। तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा बेहतरीन पूरा व्यू। तो यह होगा कैफे और मेन्यू कार्ड भी मैंने आपको दिखा दिया है इसमें, तो ज़रूर आएगा लोग दोस्तों, विजिट करिएगा यहाँ पर और इन्जॉय करिएगा। आज अभी हम लोग घूम रहे हैं पिथौरागढ़ में, और ये है पिथौरागढ़ का सिमलगेर मार्केट। राहुल भाई कितने टाइम बाद आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ लगभग 4 साल बाद। 4 साल बाद तो भाई आ रहा है 4 साल बाद पिथौरागढ़, मतलब यहीं चलता है और मतलब जॉब करता है और पिथौरागढ़ ये 4 साल हो गया, बताओ कैसा? तो गाइस हम लोग तो आते रहते हैं और हम लोग घूमते रहते हैं। तो भाई लोग, तो प्रियंजन भाई भी आज लंबे टाइम से आ रहे हैं, कब से? एक साल बाद आ रहा है। और मुकेश भाई कब से आ रहे हो तुम? लेकिन फील हो रहा है, तो मैं तो कहता हूँ चंपौत में लॉकडाउन, मुकेश भाई ने तो यहीं पढ़ाई की है और लेकिन फिर भी काफी टाइम बाद आ रहा है, ये रहता है चंपौत में। कितने टाइम बाद आ रहे हैं? तो 7-8 साल बाद भाई आ रहा है। तो ये इसका मतलब हम ही घूमते रहते हैं भाई, हम ही लोग आते रहते हैं, मेरे बहुत सारे ब्लॉग हैं पिथौरागढ़ के। तो हम तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासु वाले हुए, तो आ जाते हैं बीच बीच में घूमने के लिए। हम आ चुके हैं लंदन फोर्ट के पास और ये हम लोग चलते हैं अंदर, उसे पिथौरागढ़ की खूबसूरती का क्या कहना। यहाँ पर से लेंगे भाई लोग टिकट ले रहे हैं, और तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, टिकट है 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, तो ठीक है बढ़िया है, मेंटेनेंस वगैरह के लिए ज़रूरी है। तो ये है लंदन फोर्ट के पास का रमला ग्राउंड, और तो पत्थरों के पटाल हैं देख लीजिए आप, ये देखिए, तो मतलब उत्तराखंड का मार्बल बोल सकते हैं इसको। तो गाइस यहाँ से पिथौरागढ़ का खूबसूरत नज़ारा कुछ यूं दिख रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं किले के पास और ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना इसको, थोड़ा सा परिचय वगैरह लिखा हुआ है इसमें और ये किले का इतिहास, बाकी किले की दीवारें हैं और इसमें कुछ स्पेशल होल से बने हुए हैं, देखो कुछ एंगल लिए हुए। तो आपको ले चलते हैं अंदर।
लेकिन इसे व्यू दिखाते हैं आपको पिथौरागढ़ का ऊपर। ओ माय गॉड, तो बेहतरीन व्यू पॉइंट है यहाँ पर, और भाई लोग यहाँ पर फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए। ये तो ये है किला, बहुत ही बड़ा आलीशान खूबसूरत पेड़ है यहाँ पे पीपल का। ये तो किले की जो दीवारें हैं काफ़ी 2-3 मीटर चौड़ी लग रही है मुझे। ये तो यहाँ का मनोरम दृश्य कुछ ऐसा है। तो चंडाक वगैरह यहाँ से पूरा कुछ यूँ नज़र आता है, और पिथौरागढ़ पूरा खचा खच भरा हुआ। किसी ये होल बने हुए हैं ऐसा ही चंपावत में, जो लोहाघाट में बाणासुर का किला है वहाँ पर किले में इसी टाइप के सारे होल्स वहाँ भी बने हुए हैं कुछ एंगल लिए हुए। सामने पहाड़ी पे एक मंदिर है सुंदर सा। तो गाइज चंडाक से कुछ ऐसा व्यू दिखता है पिथौरागढ़ का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से, ये पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से। तो गाइज आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो करते हैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।